नमस्कार, स्वागत है आपका भी वॉइस 24 न्यूज़ पे और मैं हूँ फैज आलम। इस वक्त हम खड़े हैं मधुबनी के आरके कॉलेज गेट पे, जहाँ मतगणना गिनती का काम शुरू हो चुका है और दूर दूर से जो समर्थक है, जो एनडीए समर्थक हैं, जो महागठबंधन समर्थक हैं या फिर जो निर्दलीय कैंडिडेट के समर्थक हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं। तो चलिए हम सीधा समर्थकों से बात करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किसकी सरकार बन रही है। हम लोग एनडीए के समर्थक हैं, बीसवीं विधानसभा से आते हैं। हम लोग बीजेपी को वोट किए हैं, हरिभूषण ठाकुर बचौल को जिताएंगे, भारी वोट से जीतेंगे। क्या पोजीशन है अभी हरिभूषण ठाकुर? पोजीशन बिहार में एनडीए को सरकार बनेगा, अब बड़ी भारी बहुमत से बनेगा। लेकिन रुझान में जो है अभी महागठबंधन आगे चल रहा है, उस सबसे कुछ नहीं होगा, उस सबसे कुछ नहीं, उस सब ढकोसला है अभी, कुछ नहीं है। हाँ, क्या नाम हुआ? ललित यादव। अच्छा, यहाँ अभी आप लोग किनके समर्थक हैं? हम लोग महागठबंधन के समर्थक हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? महागठबंधन रुझानों में आगे चल रहा है, लेकिन लगातार जो एनडीए है उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। महागठबंधन आगे ही चलेगा और 150 से ऊपर सीट। लेकिन फिलहाल का जो आंकड़ा है वो कांटे कांटे की टक्कर है, क्या कहना चाहेंगे? कांटे की टक्कर अभी है, लेकिन उस बहुत ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा सीट से ये लीड करेगा। क्या उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है पूरा महागठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, किस विधानसभा से आते हैं? बाबूबरी से। बाबूबरी से कौन है? उमाकांत यादव। अच्छा, उनका क्या पोजीशन है? बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे। अच्छा, उनके समर्थक हैं आप अभी आरके कॉलेज गेट पर, आप लोग जो है रिजल्ट जानने के लिए आए हुए हैं? सीताराम यादव। सीताराम यादव कहाँ से हैं? खजौली। खजौली किस पार्टी से हैं? राजद। राजद, आरजेडी। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि इस बार वहाँ सीताराम यादव जो है आरजेडी से अपना निकाल लेंगे? हाँ हाँ, निकाल लेंगे। अच्छा, और बिहार में फिर किसकी सरकार बन रही है? क्योंकि तेजस्वी की, लेकिन एनडीए भी उससे कम नहीं है, रुझानों में एनडीए भी उसके बराबर। रुझान बाद में 12 बजे के बाद पता चलेगा आपको। लेकिन अभी जो रुझान है, जो बड़े बड़े चैनल का रुझान है, उसमें बराबरी का अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तेजस्वी पूर्ण बहुमत से तय है। आप लोग को कौन सी तेजस्वी की कौन सी बात पसंद आई थी? रोजगार। रोजगार, और भी कोई बात है जो आपको पसंद आई हो? उनकी सब बातें, पढ़ाई, बिहार का पढ़ाई जो है खत्म हो गया है। अच्छा, जिस तरह से 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जीत का जो कारण है, जो जीतने का श्रेय मिल रहा है, ये 10 लाख रोजगार को मिल रहा है? नहीं नहीं, रोजगार का तेजस्वी को मिल रहा है, उनके बात में दम है। अच्छा, हाँ। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि जो 10 लाख की बात किया है उन्होंने, कहीं ना कहीं जीत ये 10 लाख रोजगार की वजह से युवाओं को एकजुट, युवाओं को 10 लाख का वोट, नौकरी चाहिए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? गोपाल कुमार झा। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? संजय झा। संजय झा जी, आप किनके समर्थक हैं अभी जिस तरह आप आरके कॉलेज गेट पर आए हुए? आरजेडी का समर्थन है। आरजेडी का, कहाँ से आए हैं आप? खजौली विधानसभा क्षेत्र बासोपट्टी से आए। क्या पोजीशन है वहाँ? एनडीए से मुकाबला है? हम लोग बहुत आगे निकल रहे हैं, मुकाबले की कोई बातें नहीं। अच्छा, खजौली विधानसभा से हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। ऐसा क्या कारण है कि तेजस्वी ने 10-12 करोड़ बिहारियों के दिलों पे जो राज किया है और फिर से उनकी सरकार जो बनती हुई जा रही है, क्या ऐसा लग रहा है? उसमें बहुत सी बात है, बेरोजगारी है, मान के चलिए बहुत सा मुद्दा है, जैसे लॉकडाउन हुआ था, लाइन मजदूर का मुद्दा सब है, और नीतीश कुमार तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं ना, तो नया को तो सब चाहता है, इसलिए बूढ़े को रिजेक्ट करना है, नए को लाना है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि नीतीश कुमार ने 15 साल राज किया है और इस बार बिहार की जनता उसे कहीं ना कहीं नकार रही है, इसका कारण क्या है? बहुत सा का, पहले रीजन में तो काम किए, पहले तो काम किए, इस 2-5 वर्ष में कोई काम नहीं किए, और हर जगह वो जात पात बांटने बूटने में लग गए, कहीं कोई काम नहीं किए। लेकिन उनके साथ बीजेपी पार्टी है, फिर भी कमजोर। बीजेपी अगर किसी के साथ में चला जाएगा तो हम लोग उसके साथ में बहते रहेंगे? वो तो नहीं बहते रहेंगे। आप बीजेपी आप किसी कहीं चला जाएगा तो उसका मतलब हम लोग भी नहीं चले जाएंगे, हम लोग आरजेडी का है तो उसके साथ में गए हैं। अच्छा, क्या उम्मीद करते हैं आप तेजस्वी से? बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, वो जितना काम करेंगे उतना काम अभी कोई नहीं कर पाता। मोहम्मद सुहेल। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? बाबूबड़ी। यहाँ पर क्यों खड़े हैं आरके कॉलेज गेट? वही हमारा कैंडिडेट है, वो उमाकांत यादव, उसी के लिए आए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी सरकार तो बन ही रहा है, बन गया तो बन क्या रहा है? लेकिन कांटे कांटे की टक्कर है अभी, एनडीए भी उससे कम नहीं है। कोई टक्कर नहीं है, जीत रहा है बस। कैसे आप कह सकते? देखिए, रुझान तो पूरा आ ही गया, जीत रहा है बस। आपके कैंडिडेट की क्या पोजीशन है? बहुत अच्छा पोजीशन है। अच्छा, क्या लग रहा है, जीतेंगे? पक्का जीतेंगे। एनडीए से मुकाबला हो सकता है? कोई मुकाबला नहीं था, जीत रहा है बस। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सुहेल।
कौन विधानसभा से आते हैं? बाबूगढ़ी विधानसभा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद लाल बाबू नाम हुआ। अच्छा, कहाँ से आए हैं? हरलाखी से। अच्छा, रिजल्ट जानने के लिए? जी। इनके समर्थक हैं आप? हम लोग तो मोहम्मद शब्बीर साहब के समर्थक। मोहम्मद शब्बीर तो निर्दलीय से लड़ रहे थे। हाँ हाँ। क्या लगता है निर्दलीय को इस हरलाखी विधानसभा से जनता चुनेगी? इसलिए कि वहाँ जो महागठबंधन का टिकट दिया था ना, वो बहुत पुराना आदमी था और वो कोई काम का आदमी नहीं था। इसलिए शब्बीर भाई बहुत काम किए हुए हैं, वहाँ लोग उनको चाह रहे थे। मिल सकते हैं बहुमत? जी, जी। अभी रुझानों में क्या है उनका? हाँ हाँ, बहुत आगे चल रहे हैं। आगे चल रहे हैं? हाँ। कैसे पता चला? अभी जो आया है ना लोग वहाँ से। अच्छा, पता चला कि आगे चल रहे हैं। दे रहा है। अच्छा, बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं भाई? उसमें कहने की क्या बात है, तेजस्वी यादव को चाहते हैं हम लोग तो, आप क्या चाहिए। अच्छा हाँ, नीतीश से खुश क्यों ना? ना ना ना, ये तो पलटू राम है बाबा। तेजस्वी के जीत की वजह क्या है आखिर, इतना घोषणा पत्र में बात? 90 और जो 95 का जो जमनेशन है युवा वर्ग, जो आज रोड पर है 25, 26, 27, 28, 29, 30 बरस का जवान, वो बेरोजगारी का दूर करने के लिए। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? सरफुद्दीन। अच्छा, तो तेजस्वी जीत रहे हैं, इसकी वजह क्या है आज? बेरोजगारी, बेरोजगारी की में रोजगार देंगे नौजवानों को, इसलिए जीत रहे हैं। और क्या करें, अभी क्या चाहिए सर? रोजगार चाहिए इंसान को। आप कहाँ से? हम तो यहाँ का नहीं, हम तो आरा जिला करने वाले, हम यहाँ व्यवस्थापक में हैं। ये नाम आपका? अंकित कुमार। अंकित जी, अच्छा ये बताइए, अभी आप आरके कॉलेज गेट पे हैं, तो क्या सोच के किनके समर्थक हैं आप? एनडीए महागठबंधन? हाँ, हम एनडीए के समर्थक हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार एनडीए की सरकार फिर से नीतीश कुमार आएंगे? हाँ, लग तो रहा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे ज़्यादा पूरा समर्थक है आपको आरजेडी की तरफ से। अच्छा। हम तो सपोर्ट करेंगे एनडीए को, लेकिन अब आरजेडी का समर्थक है तो क्या कर सकते हैं, सबका अपना अपना पसंद है। अच्छा। मेरे तो पसंद के हिसाब से तो सरकार बनेगा नहीं। आप किस विधानसभा से आते हैं? हम आते हैं उधर से, बेनीपट्टी तरफ से।